नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबको ईद मुबारक। बहुत दिन बाद यानी आज लाइव आया हूँ। रमज़ान, शायद रमज़ान शुरू हुआ था तब लाइव आया था लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देने, उसके बाद आज आया हूँ। तो सबसे पहले तो जिस चीज़ के लिए आया हूँ, आप लोगों को, तमाम लोगों को ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि सबने नमाज़ें पढ़ ली होगी और यानी अपने अपने लोगों से मिल रहे होंगे। दो तीन चीज़ें थी, काफ़ी दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सी बातें थी, तो बहुत से लोगों को मैसेज भी पहुँचाना था, क्लियर करना था कि यानी रमज़ान है, सब इबादतों में है, मैं भी यहाँ लगा हुआ था, हैदराबाद में हूँ। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मुझे शहर बदर किया गया था, मैंने उस वक्त कहा था कि यानी मैं दो तीन महीने में लौट कर आऊँगा, तो एक प्रोसीजर के तहत मैंने बातें कही थी, दो तीन महीने में आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोसीजर चल भी रहा था, हमने कोंकण आयोग में मैटर को पूरा किया, कोंकण आयोग से यानी वहाँ से हमको जैसा पता था कि वहाँ पर सोर्सेस और जो भी वहाँ से हमारे फेवर पे नहीं आया, दो महीना उसमें चला गया। दो महीने बाद जब हम यानी हाई कोर्ट के लिए मूव कर रहे थे, तो ये हमारी किस्मत समझो या जो भी, कि यानी कोरोना का वहाँ पर यानी सेकेंड वेव आ गई और यानी सब कोर्ट्स वगैरह बंद कर दिए गए, इस वजह से यानी मेरा प्रोसीजर वहाँ पर रुक गया। अब वहाँ पर कोरोना है तो एमरजेंसी केसेस वगैरह ही सिर्फ लिए जा रहे हैं, तो मैं उस वजह से यानी वहाँ पुटअप नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं मोबाइल बंद करके रखा हूँ, थोड़ा अपने कामों के उस पर थोड़ा यहाँ पर एडजस्टमेंट करना, ये करना वो करना, मेरा मोबाइल बंद है। तो मैंने तो बहुत से लोग ऐसे बहुत सी बातें कर रहे हैं, जैसे इनके छिछोरे पहले भी रहे कि यानी जब ये कुछ कर नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकते, किसी को दबा नहीं सकते, तो उसको बदनामी है, यहूदी साजिश इनकी हमेशा से चलती है, तो ये वो कर रहे हैं, ये बहुत सी बातें हैं। मैं चाहता था कि मैं अभी यानी लाइव आकर के इतनी बातें ना करूं। रमज़ान है, फिर वहाँ कोरोना का पीरियड है, मैं अफसोस भी होता, उमरा के हालत देखता था जब यानी उस पर, तो यानी ऐसा लगता था कि लाइव आके क्या करूं। बहुत अफसोस होता कि मैं वहाँ रहकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूं कि यानी मैं जल्द से जल्द मेरे शहर लौटूं। आप लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आज जुम्मा है, जुम्मा की नमाज भी यानी मेरे लिए दुआ करिएगा। और तमाम यानी और भी काफ़ी यानी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करिएगा कि यानी अल्लाह उनकी मदद करे। जिस तरीके से यानी बैतुल मुकद्दस को यानी मस्जिद अक्सा पे यानी हमला हो रहे हैं, और हमारे यानी फिलिस्तीन भाई बहन जिस हिम्मत के साथ लड़े, अल्लाह उनकी हिम्मत बरकरार रखे, वो यहूदी और साजिश को नाकाम करे, यानी जो भी इसराइल जो भी जैसे भूल गया कि वो सबसे ऊपर सुपर पावर है, हमस की मदद करे अल्लाह, जिस तरीके से हमस जवाबी हमला कर रहे हैं, अल्लाह उनमें उसकी मदद करे। हमारे मुसलमान भाइयों को जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है पूरे दुनिया में, वो आप लोगों से अपील है मेरी कि दुआ करिए, मेरे लिए दुआ करिए कि एक यहूदी हमारे उधर भी है, उसकी भी साजिश अल्लाह नाकाम करे, उसका भी पर्दाफाश करे। इंशाल्लाह ताला मैं तो जल्दी आऊँगा जैसे ही कोर्ट खुलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कोरोना वहाँ चल रहा है, कोर्ट बंद है, इमरजेंसी केसेस ही लिए जा रहे हैं, और मैं कहीं सेटल हूँ तो यानी उसको इमरजेंसी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो वो हिसाब से अभी हम लोग भी रुके हुए। जैसे ही कोर्ट खुलेगा मैं कोर्ट से यानी वापस आऊँगा। अगर चाहते तो बहुत से लोग सोचते कि यानी भाई वो उसको तड़ी पारी हुई थी तो वो दो महीने में तीन महीने में, तो उस टाइम पर लॉकडाउन का मामला नहीं था, या फिर मैं चापलूसी करके नहीं आना चाहता। मैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने ये लॉकडाउन पीरियड ला दिया और मेरा कोर्ट में अभी प्रोसीजर नहीं फॉलोड हो रहा, तो मुझे अल्लाह का फैसला मंजूर है, जैसा मैंने पहले भी कहा उसी तरीके से मंजूर है। इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगा, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा वापस कोर्ट में हम लोग पुटअप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला कोर्ट से मेरे फेवर में फैसला आएगा। आप लोग दुआ करिए, उसके बाद मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊँगा शहर में, आप लोगों से मिलूँगा, काम करेंगे हम लोग, वहाँ पर शहर बदलेंगे इंशाल्लाह ताला। जिस तरीके से खेल जो हो रहे हैं वहाँ पर देखकर अफसोस होता है कि मैं वहाँ रह के कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बस यही। और आप लोगों को ईद की भी मुबारकबाद देनी थी सबको। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, नहीं तो अभी सब चिल्लू बिल्लू काम पे लग जाएंगे, सबकी पगारें चालू हो जाएगी। ईद का मुबारक महीना, आप लोग ईद मनाइए। कोरोना का थोड़ा यानी जो हम न्यूज़ों में देख रहे हैं उससे भी आप जब आप लोग दुआ करेंगे फिलिस्तीन के लिए, पूरे हर तरफ के मुसलमानों के लिए, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करिए कि जिस तरीके से एक महामारी यानी फैली है, बढ़ते जा रही है, अल्लाह उसको कंट्रोल में करे, अल्लाह यानी उसको हमारे लोगों की हिफाजत करे, जल्द से जल्द ये बीमारी को यानी हिंदुस्तान से खात्मा हो जाए, वही जैसा हमारी एक ज़िंदगी चलती थी वैसा ज़िंदगी चले वापस से। मेरे लिए मैं वापस कर रहा हूँ कि ईद का मुबारक महीना है, जुम्मा की नमाज़ है, मेरे लिए दुआ करिए। आप लोगों की दुआओं ने मुझे अच्छे से अच्छा रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में अच्छे से अच्छे में हूँ। मैं अभी ईद की नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, और आप लोगों से मुबारक यानी
अभी बस दुआ करिए, तमाम लोगों से यही कहूँगा कि दुआ करिए, घरों पे रहिए, सेफ रहिए थोड़ा, यानी लॉकडाउन जो लगाया है उसका पालन करिए थोड़ा, कोरोना वहाँ पर जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, यानी अल्लाह से दुआ करिए थोड़ा, फिलिस्तीन के लिए दुआ करिए, अल्लाह हमको वो जंग में कामयाब करे, हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को कामयाब करे। बस इसी तरीके से मेरे लाइफ को यहाँ ख़त्म करता हूँ, तो जैसा मैंने बताया ना अभी सब काम पे लग जाएंगे, जो मेरे पे तंज करते थे कि ये लाइव आकर बोलता, आज देखता हूँ कि सब अपोजिशन लीडर सब लाइव ही चिखा रहे, सब हमारी कॉपी कर रहे। जब हमारे लाइव यानी हमारे आने से ऑब्जेक्शन होता था कि लाइव आके क्या होता, तो आज समझ में नहीं आ रहा उनके लाइव आने से क्या हो रहा होगा। तो बस यही है आप लोगों से, और हाँ मेरा चैलेंज अभी भी है शानू भाई, या जवाब अभी तक आया नहीं है, मैं तो वहाँ आगे नहीं लड़ सकता, आप आओगे जवाब दे दो। ये बस इतनी छोटी छोटी बात है, अभी क्या है आकर के कंटिन्यूसली क्या बोलना। इंशाल्लाह ताला आकर के वहाँ खड़े होकर के सबकी आंखों में आके डाल के जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मेरा कामयाब वहाँ मुझे ला कर करेगा। बस यही था कि जो लोगों को गलत फहमी, इन लोग एक मैसेज यानी सुनने में आया कि चल रहा है कुछ, तो यही कि जो जिसको ये लोग खरीद नहीं सकते उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब समझो कि किस्मत साथ दे रही है उनका, कि 2 महीने का प्रोसीजर मेरा जब यानी कोकन आयोग से ख़त्म हुआ और कोर्ट के लिए मैं मूव कर रहा था और लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कोर्ट बंद हो गया। इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोर्ट खुलेगा मैं कोर्ट से आऊँगा, कानून पर आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं यानी जो नीचे पावर का इस्तेमाल करके नीचे स्लो पे और कुछ बिकाऊ लोगों ने मेरे साथ गलत करे, लेकिन कानून पे मेरे को आज भी हिंदुस्तान के लॉ पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला मैं उसके उसमें वापस आऊँगा हमारे शहर में इज्जत के साथ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आ करके जो गैर मामूली ताकतें हैं जो यानी अपना गलत इस्तेमाल कर रही है हमारे शहर के खिलाफ, उनको हम लोग शहर से बाहर करेंगे। जिस तरीके से आज हमारे फिलिस्तीनी भाई लोग इंशाल्लाह ताला पूरे इसराइली पूरे यहूदियों को ख़त्म करेंगे, उसी तरीके से मुमरा से इस यहूदी को अपन ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।